हाय गाइस, मेरा नाम है अमान खान और आप देख रहे हैं अमानस व्लॉग। और ये मेरे इस चैनल का फर्स्ट व्लॉग है जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुंबई के बीच, यानी कि वर्सोवा बीच का। तो मैं आपको टूर कराता हूँ, शो कराता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मुंबई का बीच। तो मैं रेडी हो गया हूँ और मैं निकलने वाला हूँ घर से। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि इससे रिलेटेड आने वाले मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। और आप लोग को मैं मुंबई का हर पार्ट दिखाना चाहता हूँ अपने व्लॉग्स के ज़रिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, ठीक है, ताकि मेरा कोई भी व्लॉग्स आपसे मिस ना हो। तो चलिए करते हैं शुरू। तो ये है वर्सोवा विलेज की गलियाँ, जहाँ पे ये मंदिर है, काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और ये वर्सोवा विलेज जो है बाहर तक जाता है, काफ़ी अंदर आके ये अंधेरी में वर्सोवा में, तो काफ़ी मज़ा आता है इधर रहने में। जितने भी स्ट्रगलर लोग होते हैं वो इधर ही आके बसते हैं, ठीक है, रहते हैं। खाली स्ट्रगलर ही नहीं, मतलब मोस्टली आपके फॉरेनर वगैरह भी जो बाहर कंट्री से आते हैं वो भी यहाँ पर ही रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ईज़िली सब कुछ अवेलेबल होता है, यहाँ पे मार्केट है, सामान हर चीज़ की, मतलब सब्ज़ी से लेके अनाज से लेके हर चीज़ मिलती है। ऑटो वगैरह, रिक्शा वगैरह, सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे हर कदम पे कुछ ना कुछ चीज़ आपको जो भी चाहिए होती है वो यहाँ पे अवेलेबल रहती है, तो इसलिए यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। अरे ये चचा ठूक जाते हैं, अभी बच गए बेचारे। अरे ये मोहतरमा की वजह से, ओहो कितना प्यारा क्यूट सा कुत्ता है, वाह क्या बात है। ये कुत्ता है साथ में जो चल रहा है। हाँ, तो ये जो ऑटोज़ हैं ये शेयरिंग मिलता है यहाँ से अंधेरी स्टेशन के लिए, जो कि यहाँ से कम चार से 5 किलोमीटर है, और 20-20 रुपये में लेके जाते हैं यहाँ से। और ये बस स्टॉप है यहाँ पे, ये लोग जो खड़े हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये वर्सोवा बीच। ये देखो बोटिंग है, मतलब बोट खड़ी है यहाँ पे, इससे मछली लोग पकड़ते हैं। यहाँ पे कॉली लोग होते हैं, वर्सोवा में रहते हैं, तो यहाँ से ये लोग मछली पकड़ते हैं। ये कपल्स बैठे हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, नीचे लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारा इन्जॉयमेंट रहता है। ये दादी देखो कुछ ना कुछ कर रही हैं नेट में। तो ये कॉली लोग जो होते हैं ये मछली पकड़ते हैं और व्यापार करते हैं, यहाँ पर बेचते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मछली जो है बहुत ही ज़्यादा तादाद में है। ये चचा बैठे हुए हैं और आपका ये काफ़ी अच्छा, मतलब अभी ये बना है, ये नए नए पत्थर पड़े, मरीन ड्राइव टाइप का हुआ है, ये बहुत अच्छा बना है ये। अभी ये देखो कपल बैठे हुए हैं, ये मस्ती मजाक करते रहते हैं, मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, यार क्या मज़ा आता है ना। और ये देखो आपका बिल्डिंग्स का व्यू, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, बहुत ऊँची ऊँची इमारतें हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। ये देखो एक मेरा भाई आगे जा रहा है, ये बिल्डिंग्स फिर से आ गई, तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। आप इवनिंग में या मॉर्निंग में आप आओगे ना, तो काफ़ी सारे लोग जॉगिंग के लिए, खेलने के लिए, अपनी फैमिली के साथ, बहुत मतलब सभी लोग आते हैं यहाँ पर। देखो फुटबॉल चल रही है यहाँ पे, तो जब धूप नहीं होती, जब इवनिंग होती है ना, सब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करते हुए मिलेंगे, ठीक है। ये जैसे अंकल बैठे हुए हैं दोनों, ये एक मेरा भाई फिर से बैठा हुआ है, बुखार है कुछ, बिना मुझसे पूछे कि मुझे भी चाहिए या नहीं चाहिए। ये देखो लड़कियां लड़के सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, टाइम पास के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए सब इधर ही आते हैं वर्सोवा बीच पर। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहला व्लॉग मेरा स्टार्ट करता हूँ मैं वर्सोवा विलेज से, वर्सोवा बीच से। तो ये देखो आप, इवनिंग हो रही, कोहरा हो रहा है, अभी सर्दी चल रही है ना, तो इस वजह से कोहरा भी हो रहा है, तो कुछ दिख नहीं रहा है दूर तक का। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग वगैरह भी होती है, अभी आपने देखा होगा घोड़ा जाता हुआ, तो बढ़िया अच्छा लगता है, मज़ा आता है। फुटबॉल यहाँ पे तो एवरी टाइम फुटबॉल मिलेगी आपको खेलते हुए लोग ना यहाँ पे, मॉर्निंग और इवनिंग में। और ऐसा नहीं है एक ही ग्रुप, काफ़ी सारे ग्रुप्स। ये बेचारा, आए हाय आए हाय आए हाय, क्या चल रहा है ठुमक ठुमक के, क्या चल रहा है ठुमक ठुमक के, क्या बात है। ये पत्थर अभी डालेंगे कुछ टाइम पहले ही, मरीन ड्राइव टाइप का किया इन्होंने। ये टचक टचक चल रहा है, आए हाय। अरे ये मोहतरमा खड़ी है, ये घोड़ा, हॉर्स राइडिंग भी होती है यहाँ पे, तो 100-100 रुपये में ये लोग हॉर्स राइडिंग करवाते हैं इधर, काफ़ी मज़ा आता है। ये इवनिंग टाइम है, इवनिंग टाइम में सनसेट हो चुका है, सनसेट वैसे सूरज निकला ही नहीं था यहाँ पे, मतलब आज शाम में, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था, तो अच्छा लग रहा था, मज़ा आया था।
ये लोग अभी ऐसा नहीं कि रात होते ही चले आएंगे, ये लोग 11-12 बजे तक बैठे रहते हैं धरी, टाइम पास करते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं, खेलते रहते हैं, इंजॉयमेंट करते रहते हैं। अच्छा लगता है, मज़ा आता है यार। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी मतलब सब सिटी से अलग है। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, भाग गए। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मतलब बीच पे एकदम अच्छा फील होता है यार, बहुत अच्छा फील होता है बीच पे आने के बाद ना, एकदम रिलैक्सेशन जैसा आता है ना। बहुत से लोग मतलब फ्रस्ट्रेट होने के बाद ना, जॉब से, नौकरी वगैरह से, तो यहाँ फ्रस्ट्रेट जब होते हैं तो यहाँ पे फील लेने के लिए आते हैं, अपनी शांति, माइंड की शांति के लिए, ठीक है, दिमाग का सुकून जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे आके बीच पे आपको प्रॉपर मिलता है। जब आप बैठते हैं ना बीच पर, पत्थरों पर या इधर रेत पर, तो जब हवा लगती है शाम में, क्या फील होता है ना यार, क्या मज़ा आता है ना, बस बता नहीं सकता मैं आपको, बहुत मज़ा आता है। तो काफ़ी सारे आज तो बहुत कम दिख रहे हैं लोग, पता है, वरना अदरवाइज सैटरडे संडे आप देखोगे ना तो पूरा बीच चकाचक भरा होता है यहाँ पे, ये लंबी सारी बिल्डिंग बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मैं आपको बता नहीं सकता कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको जगह जगह पर देखो कपल्स भी मिलेंगे, अपनी फैमिली वाले भी मिलेंगे, यहाँ पे टाइम पास के लिए आते हैं, इन्जॉयमेंट के लिए आते हैं, ताकि उनका जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वो परेशान होकर इधर फील कर सकें, आके इन्जॉय कर सकें लाइफ को। देखो ये ऑरेंज में आंटी जा रही हैं, क्या बात है, क्या बात है। ये घोड़े तांगे भी चलते हैं इधर, ये 100-100 रुपये में चलवाते हैं, ठीक है। और इधर बोटिंग भी होती है, देखो सामने बोटिंग हो रही है, तो लोग वो भी करते हैं इधर समुद्र में, बीच बीच तक चले जाते हैं, बीच समुद्र तक चले जाते हैं, ये रेडी हो गई देखो बोट ना जाने के लिए। तो काफ़ी मज़ा आता है यार इधर। ये अभी लाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और लाइट जब स्टार्ट होती है ना तो ओहो भाई साहब बता नहीं सकता। ये भेलपुरी का ठेला लगा हुआ है यहाँ पे, लोग खाते हैं, 20-20, 30-30 रुपये में ईज़िली मिल जाता है यहाँ पे। देखो फैमिली बैठी हुई है साइड में, बोले ना कि फैमिली वगैरह सब आते हैं यहाँ पे, ये सामने फैमिली भी खड़ी है, तो बहुत मज़ा आता है। हाँ कहाँ कहाँ छोटे, अरे अरे भाग मत, अरे समुंदर में जाएगा, अरे तैरने जा रहा है क्या? हाँ अरे रुक जा, हाँ बस बस बस, होले होले, अरे मत बढ़ भाई आगे मत बढ़, हाँ रुक जा। तो देखो एक आंटी सामने खड़ी हैं, खड़ी हैं लास्ट में, एकदम फील ले रही हैं वो खड़े होके समुंदर का, हवा का। देखो ये रेडी हो रहे हैं लोग जाने के लिए, तो अच्छा है बोटिंग। ये बोटिंग भी अभी स्टार्ट की है, पता है इन लोग ने, 150-150 रुपये में बोटिंग कराते हैं, समुंदर में लेके जाते हैं। ये देखो घोड़ा तांगा भी चल रहा है इधर, तो ये हम आ चुके हैं डी मार्ट। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारा सामान लेना था, तो इसलिए मैं डी मार्ट आया बीच से होने के बाद, ठीक है। तो ये देखो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारा यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। मुझे चने छोले लेने थे तो मैं चने छोले ले रहा हूँ, ठीक है। और मुझे ये भी लेना था, पता नहीं क्या बोलते, मैंने ले लिया ये, मुझे पानी में बॉईल करके खाना था इसलिए मैंने लिए, दाल ली मैंने, ठीक है। तो हर चीज़ यहाँ पे, दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल है भाई साहब, हर चीज़ जिसको बोलते हैं ए टू जेड। और बाज़ार के मुकाबले आपको यहाँ पे अच्छा मिल जाता है। मुझे फेस वॉश भी लेना था, मैंने फेस वॉश लिया, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कौन कौन से चाहिए थे अच्छे थे, तो वो लिए मैंने। और देखो कितना सारा क्राउड यहाँ पे सामान ले रहा है। और फाइनली मैं सामान लेकर घर आ चुका हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी सारे आइटम लिए हैं फाइनली। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ घर, और अब मैं ये जो सामान लेकर आया हूँ, मैं इस सामान को करने वाला हूँ सेपरेट, अलग अलग सारे को। और जो मैं दूध वगैरह जो लेकर आया हूँ वो मैं अच्छे से बनाकर, और चने भी लेकर आया हूँ, तो चने बॉईल करूँगा, और चने बनाकर मतलब बॉईल करने के बाद मैं खाने वाला हूँ। और उसके बाद आज का हमारा वीडियो होता है यहाँ पर ही ख़त्म। तो अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आने वाला कोई भी व्लॉग आपसे मिस ना हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।